अपात्रता बीएड की नौकरी बचाई गई और शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया था। तो अगर बीएड की नौकरी बची तो किन कारणों से बची है, ऑर्डर आने के बाद देखा जाएगा। और हमारी नौकरी क्यों बाहर हुई थी 1,37,000 की, वो देखा जाएगा, उसका कंपेरिजन करा जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी जो पेड़ थी। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहा कि अगर आप बीएड को बचा रहे हैं, बीएड को कुछ दे रहे हैं तो हमें भी दे दें। हम वहाँ पे यूपी शिक्षा मित्रास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ड्यूली क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन टीचर्स हैं और एज पर 23(1) की अर्हता को पूरा करते हैं, आरटीई एक्ट को, और एनसीटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी हम फुलफिल करते हैं। तो बीएड अनट्रेंड होने के बावजूद भी अगर आप उसको सेफ गार्ड दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए, ये हमारा प्रेयर है। दूसरी चीज ये कि एक हमारे संघ की ही आईए नहीं थी, हमारे पास अन्य आईएएस भी थी, समायोजन पूर्व की भी थी, बीरेन सिंह की थी, इंद्रपाल की थी और विकास सिंह की थी, कई लोगों की थी हमारे पास आईएएस। और सब में हमने जो ग्राउंड लिया था वो यही लिया था कि अगर बी, क्योंकि हमको पता था कि अगर गवर्नमेंट फेवर में गई बीएड के तो बीएड सेफ रहेगा, ऑल टाइम बीएड फिर बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनुरुद्धा सर का जो इंटेंशन था वो आज खुल के सामने आया कि बीएड को चाहे जैसे, चाहे प्रोस्पेक्टिव डॉक्ट्रिन से, चाहे रेट्रोस्पेक्टिव डॉक्ट्रिन से, उनको सेफगार्ड देना है। प्रोस्पेक्टिव डॉक्ट्रिन से उनको सेफगार्ड दे दिया गया है। और यदि ये इस चीज को भी बोल दिया गया है कि अगर ये कोई भी मैटर अगर 69,000 का किसी भी हाई कोर्ट में बीएड को लेके डिस्प्यूटेड है तो वहां पे इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो क्वैश हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। दूसरी चीज, एज पर लॉ हम लोगों को तो सुना ही नहीं गया, सुना गया तो ध्यान नहीं दिया गया, और ध्यान